किसान की आवाज़ चैनल में किसान भाइयों आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको खीरे के खेती के संबंध में बताऊंगा। वैसे तो खीरे की खेती हमारे देश में हर भागों में की जाती है, लेकिन इसके लिए जो जलवायु होती है 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा पर्याप्त होती है, और दक्षिण भारत में तो अक्टूबर तक बुआई होती है, बाकी मैदानी इलाकों में ये जनवरी से लेकर के जुलाई तक इसकी बुआई की जाती है। और ये खीरा जो है गुणवत्ता से भरपूर है, इसमें लगभग 96% पानी की मात्रा और 2.7% प्रोटीन की मात्रा और 0.1% वसा की मात्रा, विटामिन बी से भी भरपूर है। तो हम आपको आज इस खेती के संबंध में A to Z बातें बताएंगे। इसके लिए बलुई दोमट और दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है, और 6 से 7 pH मान वाली भूमि ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। वैसे तो हर ज़मीन में इसको उगाया जा सकता है, और बरसात की खेती करने के लिए हमें खेत की तैयारी जून में करनी होगी। तो हमने खेत को 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई किया है, उसके बाद रोटावेटर से जुताई करके 2-2 मीटर पर हम जो है मेड़ियाँ बनाते हैं। तो मेड़ियाँ बनाने के लिए अगर आपके पास ट्रैक्टर वाला हल है तो ठीक है, नहीं तो आप मज़दूरों से बनवा सकते हैं। हमारे पास मेड़ी बनाने के लिए हल है तो हम तो बना लेते हैं, उससे ही ट्रैक्टर से ही मेड़ियाँ हमने बनाया है। तो जहाँ से हम मेड़ी बनाते हैं तो हम जो अपने उर्वरक डालते हैं तो उन्हीं पंक्तियों को पहले हम रस्सी लगा करके लाइन बना देते हैं। लाइन के चारों तरफ लगभग 1 फीट चौड़ाई में पूरा उर्वरक को हम फैला देते हैं, उसके बाद उसी के ऊपर से हम मेड़ियाँ बना देते हैं। तो मेड़ियाँ हमने बनाया है, आपको दिखा रहे हैं, दिखाइए ज़रा। यह हमारी जो है लगभग 2 फीट मोटी मेड़ी है, और ये ज़मीन से लगभग 9 इंच ऊपर है। तो मेड़ियाँ बनाएंगे, मेड़ियाँ बनाने के बाद हम जो है मल्चिंग लगा देंगे। तो आपको हम उर्वरक के बारे में बताएंगे, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। 1 एकड़ के लिए हम 50 किलोग्राम DAP, 25 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम यूरिया बोते समय, और लगभग 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट इसको जो है हम फैला देंगे। लेकिन ध्यान रहे DAP के साथ जिंक सल्फेट हम नहीं डालते, यूरिया में मिला करके हम लोग डालते हैं। तो चूंकि बीच में हम खाद नहीं डालते हैं, केवल मेड़ियों पर ही डालते हैं, इसीलिए खाद की मात्रा थोड़ा कम ही रखते हैं। तो ये मेड़ी बनाने के बाद हमने जो है 3 फुट चौड़ी और 25 माइक्रॉन मोटी, ये दिखाएंगे, ये 3 फुट चौड़ी है ये हमारी ये मल्चिंग, और 25 माइक्रॉन की मोटाई है इसकी। तो इसमें हमने जो है 50-50 सेंटीमीटर पे, ये देखिए नज़दीक से सही, 50-50 सेंटीमीटर पे हमने जो है ये पाइप से होल बना दिया है। इसकी दूरी हम 50 सेंटीमीटर रखे हैं, तो होल बना करके उसमें एक एक बीज जो है हमने डाल दिया है। हमने जो बीज का उपयोग किया है वो F1 सीड है, सायरा नाम से आता है, हमने जो इस साल बोया है, तो इसकी पैदावार अच्छी होती है। हमने इसकी बुआई जो है 3 जुलाई की थी, थोड़ा लेट हो गया था, और नहीं तो 20-22 जून तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। तो हमने बुआई कर दिया, बुआई करने के बाद हम जो ये बीज में जो स्पेस छूटा है इसमें हम 8-8 फीट का बांस जो है 10-10 फीट दूरी पर हर बीच वाले नाली में, जो बीच की नाली बच गई है 2 मीटर की, उसमें पूरा जो है हमने बांस गड़वा दिया। और बांस गड़वाने के बाद इसमें हमने तार जो है, ये अभी ये लताएं थोड़ा बढ़ गई हैं, इसमें तार दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिख रहा है, इस तरह से हमने तार जो है लगा दिया चारों तरफ, और लगा करके वो तनाव दे दिया। और ये जो मल्चिंग लगी है तो इसके ऊपर जो है जहाँ हमारा वो पौधा आएगा उसके ऊपर हम जो है प्लास्टिक का तोड़ा लटका देते हैं, तो वही पकड़ करके ऊपर हमारा जो है ये जाएगा पौधा।
तो ऊपर जो हमने जाल बनाया है ये प्लास्टिक का तोड़ा लेकर के एक फीट ऐसा चौड़ाई करके इधर से एक फीट दूरी पर, इधर से एक फीट दूरी पर, उन्हीं तारों के सहारे इसको हमने लगा दिया है। तो हमारा ये मचान बन गया है। मित्रों, मचान जो है जब आप बनाएं कभी भी अपने खेत के बाहर की तरफ तार से खूंटा गाड़ करके तनाव वश दे दें, क्योंकि इसमें जब फल आने लगेंगे पूरी तरह से तो वजन इसका बढ़ जाएगा, और बरसात का सीजन है, अगर हवाएं चलेंगी और ज़मीन में नमी ज़्यादा रहेगी तो आपका मचान गिर सकता है, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो अभी हमारा 3 जुलाई को हमने इसकी बुआई की थी, और ये ज़रा नज़दीक दिखाइए, ये हमारे फल जो है आना शुरू हो गए हैं, ये फल आ रहे हैं। और पिछली बार हमने जो बुआई किया था तो बहुत अच्छी पैदावार हमको मिली थी, लगभग 1 एकड़ में हमारा 200 कुंतल से ज़्यादा ही हमने फल बाज़ार में भेजा था, और रेट भी इसका बढ़िया था पिछली साल भी, इस साल भी अभी तक रेट अच्छा है। एक ही दो बार अभी तुड़ाई हुई है, फल आना शुरू हो गया है, तो रेट भी जो है 20 के नीचे अभी तक नहीं आया, 20, 25, 28, 30 तक जो है इस साल बिक रहा है, और हमारा भी फल आना शुरू हो गया है। तो हम जो बुआई करेंगे, बुआई के लगभग 60 दिन बाद जो है इसमें से फल आने की शुरुआत हो जाएगी, तुड़ाई शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इसमें लगने वाले रोगों के संबंध में। तो इसमें जब दो दो पत्तियां रहती हैं तो ये कीड़े और नीमाटोड इसका प्रकोप होता है, इसके लिए हम मेलाथियन का छिड़काव करते हैं तो वो उन कीटों से बचाव हो जाता है। उसके बाद जब फिर ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो इसमें पत्तियों को काटने रोग लग जाता है, ये वायरस जनित रोग है, ये पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो इसके लिए हमें जो है प्लांटोमाइसिन का छिड़काव करना चाहिए, और बीज को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 90% और प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड के जो मिश्रण आता है उससे जो हमें बीज को शोधित अवश्य कर लेना चाहिए। अगर हम बीज का शोधन किए रहेंगे तो तमाम जो है इस तरह से जीवाणु वाली बीमारियां जो है हमारी नहीं लगती हैं। तो हमने इसको जो शोधित करके बोया है इसमें हमें ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो गया रोग के संबंध में, और इसके फल की तुड़ाई डेली करनी पड़ती है। अभी ये फल आना शुरू हो गया है, तो अगर हम फल तोड़ने में लेट करेंगे तो फल का रंग लाल हो जाएगा और फल टाइट हो जाएगा, तो मार्केट में बिकना जो है वो लगभग दिक्कत हो जाएगी बिकने में। इस तरह से अगर हम मल्जिंग से और हाइब्रिड बीज का उपयोग करके बुआई करेंगे, खरपतवार नियंत्रित रखेंगे और कीट और रोग से बचाव करेंगे, तो लगभग 1 एकड़ से पिछली साल हमने 200 कुंतल फल मार्केट में भेजा था, तो अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो देखने के बाद आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।